हेलो एवरीवन, होई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, होई अष्टमी का व्रत संतान की लंबी आयु के लिए किया जाता है। यह व्रत माताएं जिनके बेटी है बेटा है वो दोनों ही रख सकती हैं, और जिसके जो नी संतान है वो भी इस व्रत को संतान प्राप्ति के लिए रखती हैं। तो आप डाउट नहीं करें कि हमारे बेटा है तो हम रखें या बेटी है तो हम नहीं रखें, ऐसा कुछ नहीं है, संतान के लिए रखें। ठीक है, अब क्या करना है, किस तरह से पूजा करनी है। सुबह सवेरे सबसे पहले उठना है, संकल्प ले लेना है। सुबह आप खाली पेट चाय ले सकते हैं, मतलब सुबह के समय, जैसे कि बिना नहाए नहाने से पहले ले लीजिए चाय। उसके बाद ये ना आपका व्रत शुरू हो जाएगा। पानी बिल्कुल भी नहीं पीना, ना ही सुबह उठ के पीना है, ना ही आपको पूरे दिन पानी पीना है। तो इस बात का ध्यान रखना है, निर्जला ये व्रत रखा जाता है। दोपहर में कुछ लोग इस व्रत में खा लेते हैं, जैसे कि फ्रूट्स खा लेते हैं, बस फ्रूट्स और चाय ले लेते हैं, वो भी कहानी सुनने के बाद। अगर आप जैसे पहला व्रत रखती हैं, ऐसा ही हर साल आपको ये व्रत रखना होगा। अब देख लेते हैं पूजा विधि, मैंने पहले भी वीडियो डाली है, उसे भी देख सकते हैं आप। तो यहाँ पूजा विधि में मैंने सबसे पहले चौकी साफ कर ली है, गंगा जल से पवित्र कर ली है, एक गेहूं की डेरी लगा के सबसे पहले अपने गणेश जी स्थापित कर दिए हैं। वैसे तो कैलेंडर पे भी हमारे गणेश जी होते हैं, तो डायरेक्ट भी पूजा कर सकते हैं बिना स्थापित करे। गणेश जी को फूल, दुर्वा और कलावा वस्त्र के तौर पे चढ़ाया जाएगा, ठीक है। और जो होई माता का जो कैलेंडर है, आप कैलेंडर भी ले सकते हैं, इस तरह से तस्वीर भी ले सकते हैं। अगर आप कैलेंडर ले रहे हैं तो हर साल आपके बदले जाएंगे, तस्वीर ले रहे हैं तो उसी तस्वीर को आप बार बार लगा सकती हैं। दो कलश स्थापित किए जाएंगे, होई माता को कलावे की माला जैसे मैंने पहनाई है वो पहनाई जाएगी, आटे की मदद से आप पहनाएं। उनके सामने गेहूं की ढेरी जैसे मैंने लगा रखी है, गेहूं की ढेरी लगानी है, उस पर घी का दीपक, अगर आपके तेल का जलता है, बहुत से लोगों के यहाँ तेल का दीपक जलाया जाता है, हमारे यहाँ देसी घी का जलता है, तो मैंने देसी घी का ही दीपक रखा है। इसके अलावा फिर दो ये कलश स्थापित करे हैं, नीचे पहले गेहूं की ढेरी लगा लीजिए, फिर एक कलश में जल भर दीजिए। आप लोटे भी रख सकते हैं दोनों, मैंने एक अपना चांदी का करवा जो मेरा था उसका करवा चौथ का वही मैंने भर कर रख दिया है। दोनों पे सतिये बना दीजिए, दोनों लोटों पे आपको सतिये बनाने हैं और गले पर कंठ पर इनके वो बांधना है कलावा। फिर ये जो होई माता की माला समझ लीजिए, अब कैसे बनेगी होई माता की माला, कैसे बनाई जाती है। जैसे कि आपके पहला बेबी है, लड़का है, मतलब लड़के के में ही बनती है, लड़की के में नहीं बनती है ये होई माता की, ना ही मोती डाले जाते हैं। जब आपका लड़का पहला लड़का होगा तब दो दो मोती साइडों में पड़ जाएंगे, एक लॉकेट बन जाएगा, वो आपका बन गया। अगर दूसरी बार भी आपके लड़का होता है तो दो दो मोती फिर पड़ जाएंगे, और बाकी हर पूजा में नहीं बढ़ने के हैं ये। जब आपके लड़कों की शादी होगी तब ये मोती दो दो मोती पड़े जाएंगे, लड़कियों की में कोई मोती नहीं पड़ेगा, आप व्रत रख सकती हैं। लेकिन संतान की प्राप्ति के लिए व्रत रख रहे हैं तब भी ये माला नहीं बनेगी। अब जैसे कि मैंने दो जल के लोटे कैसे रखे हैं, एक जल का लोटा तो नीचे वाला है जो कि दीपावली के काम आएगा, हमारे दीपावली तक ये रखा रहेगा, और इसका दीपावली के दिन हम इस जल से नहाएंगे। सारे जितने भी परिवार के घर के सदस्य हैं थोड़ा थोड़ा अपनी बाल्टी में डाल लीजिए, और इससे नहाया जाता है दीपावली नरक चौदश के दिन। फिर ये जो कलावे की जो मतलब कलश पे हमने अपनी स्याव वाली जो माला है वो इस तरह से आपको डालनी है कलशों पे, फिर उसकी पूजा करनी है। मैंने दीपक जला दिया, गेहूं की डेरी पे ही देख लीजिए आप, दीपक रखा जाएगा। गुलगुले बनते हैं हमारे यहाँ प्रसाद में, आप गुलगुले बना सकती हैं, एक मूली पत्ते वाली और पांच सिंगाड़े पूजा में रखने हैं। किसी किसी के हलवा अठावरी बनाई जाती है, मतलब आठ पूरी उसके ऊपर हलवा रखकर पूजा की जाती है, जैसे नॉर्थ में होती है ना, इसी तरह से अठावरी बना के पूजा की जाती है। तो आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, हमारे ये गुलगुले बन के पूजा होती है तो मैंने गुलगुले बना लिए हैं। मेकअप का सामान, श्रृंगार का सामान थोड़ा सा मैंने माता रानी को चढ़ा दिया है, तो यहाँ श्रृंगार का सामान रख दें आप, छुआ के बिंदी लगा सकती हैं, थोड़ी सी मेहंदी आप लगा सकती हैं, बाकी सामान ऐसे ही रख दीजिए। अब पहला आपका अगर व्रत है, पहला लड़का हुआ है, तो किस तरह से करना है आप समझ लीजिए। कहानी तो आपको दोपहर में ही सुन लेनी है, जैसे गेहूं के मैंने हाथ में दाने ले रहे हैं, ऐसे ही दोपहरी में आप बैठकर कहानी सुन ले। उसके बाद अगर जैसे आप शुरू से ही व्रत रखेंगी वैसे ही पूरे साल आपको व्रत रखना पड़ेगा। अगर आप कुछ खा लेंगे, थोड़े से फल वगैरह दोपहर में ले लेंगे, तो पूरी साल ही लेने हैं। लेकिन पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है, चाय पी सकते हैं बिना पानी की, लेकिन पानी नहीं पीना है।
तो इस तरह से कहानी पूरी करने के बाद तब थोड़ा सा ले सकती हैं आप। फिर आपकी शाम की पूजा होगी, और जब ही बायना निकाला भी जाएगा, शाम के समय ही बायना निकलता है। तो पुए मैंने ले लिए हैं, पूड़े बना लिए हैं, यानी कि ये जो है पूड़े, इनका भोग भी लगाया जाएगा और इनको हमारे जो वो है सास के लिए बायने में भी निकाले जाएंगे। तो मैंने सभी देवी देवताओं को तिलक लगा दिया है, फूल चढ़ा दिया है, और गणेश जी को दुर्वा चढ़ा दी है। अच्छे से विधि विधान से मैंने पूजा कर ली है। भोग हमारे, जैसे मैंने बताया, गुलगुले का लगता है, इस तरह से घी पिलाया जाता है। फिर जब पूरी पूजा संपन्न हो जाती है तो इस तरह से घी पिलाया जाता है। किसी किसी के यहाँ दोस्तों उसमें पिलाया जाता है ये घी, जैसे कि दीपावली के दिन तेल पिलाया जाता है, तेल का दीपक जला के, और हमारे यहाँ ऐसे होता है। तो इस तरह से भी विधि विधान से कर सकती हैं। अब सास को साड़ी कैसे झांपनी है, आपका पहला व्रत है, आप सोच रही हैं अब किस तरह से साड़ी झांपी जाएगी, तो आप साड़ी ले लीजिए, मेकअप का सामान ले लीजिए, पे दक्षिणा रख लीजिए। अगर आपकी सासी जैसे सास, खाना पूरा ले लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे खाना लिया है, जो भी खाना बनाया है। अगर आपकी सास नहीं खाती है खाना वगैरह, कम खाती है, मान लो रोटी खाती है, ये नहीं खाती है, जो उन्हें पसंद आए मिठाई, वो मिठाई का डिब्बा मंगा के आप दे सकती हैं। बायना मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, आपके परिवार का सदस्य कोई नहीं खाएगा, ना ही आपके बच्चे खाएंगे दिया हुआ बायना, ना आपके पति खाएंगे। तो सास को दिया है, सास ही खाएंगे उस बायने को। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो अब मैंने साड़ी कैसे झांपनी है, अब साड़ी देख लीजिए। आपको साड़ी लेनी है और उनके चरणों में लगा के, होई माता के चरणों में लगा के आपको ये साड़ी रख देनी है साइड में, और अपनी जो चुनरी है, चुनरी की मदद से, चुनरी के जरिए पानी लेकर, जल लेकर एक लोटे में से हाथ फेर देना है। 5 या 7 बार हाथ फेरना है आपको, मतलब गोल गोल घुमा के, जैसे आपने देखा होगा वीडियो में ही। तो इस तरह से निकाल कर आपको सास को पैर पड़कर दे देनी है। पूजा जब आपकी संपन्न हो जाएगी तो तब दे देनी है। अब ये पूजा कौन कौन करेगा, सबसे पहले जो घर के मुखिया होते हैं वो इस पूजा को करेंगे। सभी को, घर के जितने भी सदस्य हैं सभी को ये पूजा करनी चाहिए। पहले घर के मुखिया करेंगे, फिर मान लो आप करें, फिर आपके बच्चे हैं तो वो करें। और ये जो प्रसाद है ये खिलाया जाएगा, और कुछ प्रसाद थोड़ा सा माँ के चरणों में डाला जाएगा। उसके बाद सब बच्चों को ये प्रसाद बांट दिया जाएगा, हर बच्चे को आपको ये प्रसाद खिलाना है। और ये जो साड़ी है फिर इसको आप अपनी सास को दे रहे हैं पैर छूने के बाद। अब ये जो माला है, आप जब आप जल चढ़ा देंगी, जब तारे निकल जाएंगे, तारे देखकर ही यह व्रत खोला जाता है। तो जब तारे निकल जाएंगे तब आप जल का लोटा ले लीजिए, जो चुंदरी में जो आपने गेहूं बांधे थे कथा के समय, वो आपको दाने ले लेने हैं। तो ऊपर जो वो है तारों को देखते हुए आप गेहूं बिखेर के, और वो जल दे दे तारों को। कुछ लोग दोस्तों वो भी करते हैं, बच्चों की पूजा भी करते हैं, जैसे करवा चौथ पूजा होती है वैसे भी करते हैं। अगर आप वैसा करना चाहते हैं, दिए से पूजा करें, फूल उनको चढ़ाएं, बच्चों को मिठाई खिलाएं, इस तरह से भी आप पूजा कर सकती हैं। नहीं तो आप सिंपल जल देकर, जल के बाद आप खाना खा सकते हैं। खाने में आपको क्या क्या खाना है, अब ये अच्छे से समझ लीजिए। खाने में आप पूरी, कचौड़ी, सब्जी कुछ भी खाएं तारे देखने के बाद, लेकिन मीठे पूड़े से ही व्रत खोलना है आपको ये। और फिर उसके बाद आप पूरा खाना खा लीजिए। याद रखें कि लहसुन प्याज वगैरह का मांसाहारी खाना नहीं होना चाहिए, शुद्ध शाकाहारी शुद्ध खाना होना चाहिए। तो आप पूरा अच्छे से खाना खा सकती हैं शाम के समय, एक ही समय खाना है, व्रत एक ही समय खोलना है। बार बार व्रत खा मतलब खोलते समय बार बार आपको उठना नहीं है, आप पूरी थाली इस तरह से लगाएं कि आपको बार बार उठना ना पड़े। तो इस तरह से ये व्रत खोला जाता है। अगर इससे भी रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो रहा है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो आप मुझसे वीडियो में पूछ सकते हैं। यहाँ मैंने फल भी चढ़ाए हैं, तो आप मिठाई भी चढ़ा सकती हैं, और मिठाई के अलावा पूड़े तो चढ़ते ही हैं, पूड़े बनते हैं, 5 सिंगाड़े मूली जो रखी है फिर ये गाय को दे दी जाती है। अगले दिन हम गाय को दे दें, फल हम बांट सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं और बांट भी सकते हैं। जो पूड़े हैं वो उसी समय बच्चों को भी बांट दिए जाएंगे, और आप भी इस प्रसाद में खा लें, लेकिन व्रत खोलने के बाद खाने हैं आपको, अभी नहीं खाने हैं, बच्चों को दे दें, बच्चे खा लें। जो मेकअप का सामान है वो आप बांट सकते हैं, पंडिता थोड़ा सा पंडित को दे दिए, थोड़ा सा आप रख लीजिए, थोड़ा सा अपनी सास को, जिसको भी देना चाहें आप, वो मेकअप का सामान आप दे सकती हैं। और ये कलश रखे रखिएगा, जो जल का कलश है नीचे वाला, ऊपर वाला चढ़ा दिया जाएगा, नीचे वाला जो कलश है वो दीपावली पर नहाया जाएगा।
और ये जो माला है जब पूरी पूजा संपन्न हो गई अब ये गले में हम पहन लेंगे। और ये कम से कम आपको 5 दिन दिवाली तक पहननी है ये माला, 5 दिन तक। और 5 दिन के बाद आपको गुड़ से जिमा के आप रखना चाहें इस माला को रख सकती हैं। फिर ये अगली साल ही ये माला निकाली जाएगी, फिर आप अगली साल इसमें मोती नहीं पिरवाने हैं, जब आपके संतान होगी तभी इसको मोतियों को पिरवाने हैं। बस इतना ही, और भी कुछ अगर कथा की वीडियो मेरे चैनल पे आ गई है जरूर देखिएगा, कथा जरूर सुन लीजिएगा, और हर पूजा विधि मेरे चैनल पे है देखिएगा। अच्छी लगे तो वीडियो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, जो आगे वीडियो मिलती रहे। हर हर महादेव।